हमारी फसलों पर जो लागत लगती है उसके आधार पर समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता है हमको। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, टैक्सों की चोरी कराई जा रही है। हाँ जी। और इन किसानों पे प्रति एकड़ 6,000 से 8,000 रुपए वसूल करे बना कोई खेती नहीं कर सकता। मोदी जी के ऊपर से नौकरनीश जी का आग्रह, मरा नौकर है वो, गुजरात में चाय नहीं और दारू बेचे से अमीरों का था 18 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया इसने। अभी हम यहाँ मौजूद है रामलीला मैदान में और यहाँ पर तमाम जो महिलाएं आप देख रहे हैं, किसान महिलाएं हैं, तमाम लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं, एकत्रित हुए हैं और इनकी मांग और डिमांड वही है कि अभी भी जो है कर्ज माफ नहीं हुआ है और अभी भी GST जो है लगाई जा रही है। तो यहाँ पर महिलाएं भी जो है हमारे साथ हैं। क्या नाम है आप लोगों का? क्या नाम है आपका? मैम सुमन शर्मा। कहाँ से आई है? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आई है तो मैडम मैं दूंगी, मेरी टीम है ये। अच्छा, इंट्रोडक्शन नहीं वो बोल देंगी तो कुछ दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? मैं कोई दिक्कत। कहाँ से आए हैं? ब्रज प्रांत अलीगढ़। अलीगढ़ से आए हैं। अच्छा, आप अलग अलग राज्यों से तमाम महिलाएं भी आई हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, कौन सी मुद्दे हैं जो आपको लेकर के फिर से परेशानी हुई है जो यहाँ पर आप लोगों को एकत्रित होना पड़ा? इसलिए एकत्रित होना पड़ा कि किसानों को लागत का मूल्य मिलना चाहिए, बिजली कम रेटों पे और फ्री, जो सरकार ने जो अपने वायदे किए थे वो निभाए जाए और जो है लागत का सही मूल्य सरकार हमको दे। और जो है जो GST लगी हुई है कृषकों के जो साधन है उन पे से GST हटा दी जाए। तो आप लोग भी किसानी करते हैं क्या? जी हाँ जी जी। किसान लग नहीं रहे हैं? किसानी लग नहीं रहे, पर हमारा फैमिली पढ़ी लिखी है ना इसलिए नहीं लग रहे। अच्छा, आप भी कहाँ से हैं? हम भी यहीं से, ब्रज प्रांत से, के साथ ही हमारी की टीम है ये। तो मगर प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं के लिए भी इतना कुछ काम कर रहे हैं, धुएं से उन्हें रहित किया है, उज्ज्वला योजना दी है और किसानों के लिए भी इतनी कुछ कर रहे हैं, आय बढ़ाई है उनकी। लेकिन आप यहाँ पर फिर भी जो है मुद्दे लेकर आए हैं और क्योंकि हम किसान परेशान है ना इसलिए मुद्दे लेके आए हैं। परेशान है, विरोध नहीं है, विरोध नहीं है, उन्होंने जो वायदे किए हैं उनको मनवाने के लिए आए। तो वायदे किए तो इंतजार तो करना पड़ेगा ना, धीरे धीरे सब्र का मीठा होता है। वो तो सही बात है आपकी, हम उनसे विरोध में नहीं है, केवल अपनी समस्या तो रख सकते हैं हम प्रधानमंत्री। विरोध करने नहीं आए, विरोध करने नहीं आए, अपनी समस्या रखने आए हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बनीता ठाकुर है। टोपी बहुत अच्छी लग रही है आपकी, कहाँ से? हिमाचल से। हिमाचल टोपी है। किसानी करती हैं? जिला शिमला से आए हैं हम। नहीं, किसानी करती हैं? किसान हम किसान हैं, किसानी करते हैं। तो क्या कुछ हो गया कि आप लोगों को, महिलाओं को भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आए हैं आप लोग? अपने लिए हमने तो समर्थन मूल्य के लिए हम यहाँ पर आए कि लागत पर आधारित मूल्य हमें दिया जाए, इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो लागत सही नहीं मिल रही है लेकिन मोदी जी सरकार और सरकार में बैठे लोग तो बोल रहे हैं किसानों के लिए इतना कुछ किया है, बेहतरी की। हमारी फसलों पर जो लागत लगती है उसके आधार पर समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता है हमको, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं अपना मूल्य मांगने के लिए। मेहनत करते हैं हम, किसान हैं, बागवान भी है, हमसे उगाते हैं। लेकिन सम्मान पति जो निधि है, सम्मान निधि जो योजना है, उसके तहत तो आपको जो है कर्जा भी माफ किया जा रहा है, उसमें लिखा है। हिमाचल में अभी तक कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। मगर उसमें तो इतनी बड़ी बड़ी योजना निकाली गई, किसानों को नहीं मिल रही, लोन दिया जा रहा है, ये कागजों तक ही सीमित है, योजनाएं किसानों को अभी तक मिली नहीं है। और जो है आपको लोन दिया जा रहा है कर्ज माफ किया करके और 2,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। वो 2,000 रुपए निधि जो दी जा रही है वो प्रत्येक को नहीं मिल रही, किसी किसी को मिलती है। कहाँ से आए आप? हम इगलास से आए, अलीगढ़ जिले से आए, यूपी से, यूपी से, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से। अच्छा, तो ये मतलब क्या मसला हो गया फिर से आप लोग जो है बार बार आ जाते हैं? क्या ये आप लोग वाकई में किसान हैं या फिर वो भीड़ जुटाई गई है? किसान हैं, लेकिन अब यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो बस जन्म जाति किसान हैं हम। और जो हमारी सरकार ने, जिस सरकार को हमने बनाया था, उसी सरकार ने हमसे बार बार ये भी कहा था घोषणा पत्र में कि हम किसानों को लागत का समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन हमें समर्थन मूल्य नहीं मिला आज तक। और जो किसान सम्मान निधि दी जाती थी उसमें भी करीब 60% लोगों को मिली है, 40% लोगों को किसान निधि नहीं मिल रही है। तो मिलेगी ना, 60 को तो मिली ना, 40 को भी मिलेगी। अब ये लोग ये कहते हैं सरकारी कर्मचारी के को जो आधार कार्ड में कमी है, कहीं खाते में कमी है, तो जो किसान का आधार कार्ड लगा हुआ है
फर्द उनके पास है, खतौनी उनके पास है, बैंक के खाते उनके पास है, तो किसान फिर बाहर कहाँ गया, उनकी गलती रह कहाँ गई? तो ये सरकारी कर्मचारी की गलती है, किसानों की कोई तो गलती है नहीं। सरकारी उनकी ही गलती बता दी आपने, कर्मचारी होगी किसकी गलती है, क्या किसानी गलती है? कहीं आपने कोई कमी बड़ी तो छोड़ी होगी, तभी तो जब किसान से आधार कार्ड ले लिया गया, बैंक की पासबुक ले ली गई, खतौनी लेखपाल के पास है, सारी वस्तुएं सारे कागजात किसान के जो है सरकार के पास रखे, तो फिर ये किसान की गलती कहाँ रह गई? अभी लागत मूल्य क्या मिलता है आप लोगों को? लागत मूल्य कुछ भी नहीं मिल पा रहा हमें। लगभग अभी कितना मिलता है? अब गेहूं का समर्थ अब जो है व्यापारी के पास गेहूं है तो 3000 रुपए क्विंटल है, जब किसान के पास था तो 1600 रुपए क्विंटल था। 2015 मतलब ऐसा ही था। ये कम बता रहे हैं आप, ज्यादा बता रहे हैं, कुछ गड़बड़ है आप लोगों में, मतलब एकता नहीं हो पा रही है। कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। 1600 रुपए क्विंटल बिका था, अब जो व्यापारी के पास माल पहुंच गया तो 3000 रुपए क्विंटल है। हमसे ये भी कहा गया था कि किसान टैक्स माफ होगा, टैक्स माफ तो कर रहे हैं ना नहीं, किसान का टैक्स माफ होगा, लेकिन किसान टैक्स माफ कहाँ है? DAP किसान खरीदता है, यूरिया किसान खरीदता है, ट्रैक्टर किसान खरीदता है, लेकिन जब किसान लेने जाता है तो GST लग करके आती है DAP पे, यूरिया पर, और सारी व्यवस्थाओं पर किसानों को टैक्स भरना पड़ रहा है, तो किसान टैक्स माफ कहाँ है? नेताओं की गाड़ी टोल टैक्स से निकलेगी तो टोल नहीं लगेगा, VIP गाड़ी बिना टैक्स के निकलेगी, लेकिन किसान का ट्रैक्टर निकल के आएगा तो टोल भर के आएगा। क्यों टोल भरा जाता है? लगभग जो भी उनका टैक्स है, जितना भी जिस टोल पर लगा हुआ है, 60 रुपए, 50 रुपए, जो भी है XYZ या 500 रुपए, लेकिन किसान से टैक्स भरा जाता है। किसानों के लिए तो ये फ्री होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है वो, आए दिन यहाँ पर पहुँचाता है, दिल्ली में भी सारा जो सामान। हम सरकार विरोधी नहीं है, हम सरकार के पक्ष में, सरकार बनाई थी। परेशान क्यों हो रहे हैं? कि परेशान ये कि धीरज रखना पड़ेगा ना आपको, धीरज कितने दिन केंद्र सर केंद्र सरकार के पक्ष में है, तो आपको देखो सरकार के हितों के साथ चलना पड़ेगा ना मैडम। कितना नाम है आपका? मेरा बाड़मेर राजस्थान से आता है, हमारा जो 9 साल से वो डिसीजन चल रहा है नहरी का पानी आने की सूचना, तो उसमें अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, 9 साल से इंतजार कर रहे हैं, सरकार के पक्ष में है पर भूखे छोरे हम पाकिस्तान के बॉर्डर सरकार के पक्ष में है तो उन पे भरोसा बना के रखिए कि वो अच्छा काम भी करेंगे। 9 साल निकल गया, अब तो आप भूख मर रहे, पीने का पानी नहीं है, पाकिस्तान बॉर्डर से आते हैं बाड़मेर, वो रेगिस्तान राज्य, धीरे धीरे नहीं देखो 9 साल से नहीं आया तो वो मर जाएगा, बाद में किसी का पानी काम आएगा है? हम पाकिस्तान से सिर्फ धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं ना PM। अब देखो भाई, हम मोदी जी कह रहे हैं धीरे धीरे सुधार हो रहा है, अब टाइम का कोई अंत होता है, अब टाइम का कोई सीमा है हमारे। हम जो पाकिस्तान बॉर्डर से 55 किलोमीटर दूर से बाड़मेर राजस्थान से आते हैं राजस्थान, वहाँ देखो पानी की कमी, पीने का पानी नहीं है, 5000 रुपया टंकी का डालना पड़ता है, पीने का पानी नहीं है तो फिर कब आएगा, कब सिंचाई का पानी पहुँचेगा, कोई सवाल ही नहीं है। 9 साल पानी नहीं आ रहा, पीने का पानी नहीं है, वहाँ तो ट्यूबवेल वगैरह और ऐसी तो पानी की सुविधा। अरे हमने तो देखा नहीं है उधर, उधर तो पीने का पानी एक मटका नहीं है, तो दिखा रहा है इतना किसानों के। देखो हम जो बाड़मेर जैसलमेर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पीने का पानी नहीं है, देखो सिंचाई में कैसे पानी पहुँचेगा, कब तक पहुँचेगा? 9 साल निकल गया है, हम सरकार के पक्ष में है, पर कैसे चल रहा है गुजारा भत्ता? अरे देखो पानी जो 2000-3000 रुपया देखे वो टंकी का 200 लीटर पानी आता है, उसको गुजारा करता है, 3 दिन नीचे किसान नहाते, 5-5 दिन नहीं नहाते, कपड़े नहीं पहनते उनको, वैसे कपड़े धोने पानी का, पानी पीने का एक मटका मिलता है, कितने का हो गया वो? 9 साल निकल गया सरकार की सत्ता में, अब वो देखो कब आएगा अच्छा दिन। 9 साल पे आप मतलब ऐसे ही जूझ रहे हैं? तो ऐसे ही जूझ रहे हैं, देखो पहले भी ऐसे ही जूझ रहे हैं 60 साल, अभी 9 साल इसमें जोड़ दो तो फिर अब इंतजार कर लो 2024 का। अरे 24 आ गया, अब इंतजार नहीं होगा, पूरा होगा 24 में, हिसाब होगा पूरा। अब देखो 2 साल बचे हैं, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर सिंचाई का पानी नहीं पहुंचे तो कोई किसान यह मानने के नहीं है, और वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। अरे हम लोग थे, हमकी ऐसी थोड़ी आशा थी कि ऐसे ही वो अगले जो पहले की सरकार थी वैसे ही चलेगा, सत्ता को तो आज के दिन EVM ला रही है, सत्ता में EVM ला रही है, EVM ला रही है, वोट किसी को दी जाती है, सारी कहानी है पूरे देश में, क्यों नहीं हट रहे? आज के दिन भ्रष्टाचार का बोलबाला है,
टैक्सों की चोरी कराई जा रही है। हाँ जी। और इन किसानों पे प्रति एकड़ 6,000 से 8,000 रुपए वसूल करे बना कोई खेती नहीं कर सकता। ₹3,000 उस पर 2,000 रूपए किसान से देने वाला है, ये कोई भिखारी है? सरकार पे आप तो आरोप लगा रहे। सरकार सरकार तो नौकर है हमारी, कौन का यही हमारी अज्ञानता में ये हमारे हमारे भाई बेवकूफ हो रहे हैं। नौकर का आदेश मानते हैं, हमने आज तक आदेश देने के बारे में सोचा भी नहीं है। आदेश किसने ने? मोदी ने हमारे बनारस के भाइयों के पैर पकड़े नहीं पकड़े। क्या नाम है आपका बाबा? मेरा नाम भाग सिंह है। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 72 साल है। 72 साल, इतना जोश है आप में और यहाँ पर आए हैं? इतना जोश यूं है कि ये सरकार टैक्सों की चोरी करा रही है और मालिकों से जबरदस्ती जिसकी 32 रूपए आए है उससे ये 8,000 रूपए प्रति एकड़ का टैक्स वसूल कर रही है। ये इसकी बदमाशी अब नहीं चलेगी, जल्दी ही देश में मूवमेंट होगा। और ये जितने भी पदों पे भ्रष्टाचारी 3 करोड़ से अधिक जिसकी भी संपत्ति है उसको जब्त कराएंगे। हाँ, आप ऐसा कर पाएंगे? सत्ता में बैठी सरकार इतना उसके पास पावर है, आप लोगों में है इतनी पावर? पावर उसके पास कहाँ है? पावर तो हमारी कलम में है, हमने आज तक कलम का प्रयोग नहीं किया है। जिस दिन हमने पावर कलम कर दी ना, आज के दिन हमारे बच्चे जो फौज में पुलिस में है उनसे प्रति माह वसूली की जा रही है, ये पैसा किसके पास जा रहा है? नहीं हो तो बता दो, कहीं किसी भी शहर में कोई भी SHO दो चार होगी तो मैं कहता नहीं, अपवाद तो मिल जाएगा। हर SHO हर सिपाही से वसूली ले रहा है, किस बात की ले रहा है? और उस वसूली को देने के लिए सिपाही को कहीं ना कहीं से गलत काम करने वालों को छूट देनी पड़ती है। और हम अपने 10-20 रुपए के लालच में, हमारे में ये अकल नहीं है, कुदरत ने पता नहीं किसने दी है ये शक्ति। और ये यहाँ से आवाज जाएगी, जिस दिन 50 करोड़ लोगों ने साइन कर दिया ना, उस दिन ये नीरव मोदी ने ये सारे के सारे बात लेंगे इस हिंदुस्तान से, और इन नाम दुनिया किसी कोने में नहीं छोड़ेंगे। आप कलम की ताकत, कलम तो अब आपको पता ही है कलम किसकी तरफ चलती है। बेटी सुन, कलम किसके पास? मालिक कभी किसी को कलम देते है क्या? हम मालिक है, कलम हमारे पास है। और ये जितने भी सेवक हमारे सेवक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे सेवक है नहीं है, है? इनको हमने आज तक हमारी बेवकूफी हमारे भाई क्या का हाथ क्यों जोड़े से, यही हमारी अज्ञानता है। तो कितने पढ़े लिखे हैं बाबा? मैं कितना ना पढ़ा, मैं तो ये 20 साल से ना पढ़ा। अच्छा। मैं कितना ना पढ़ा छू, ये पूरी दुनिया में सेवकों ने कदर मचा रखा है, भ्रष्टाचारी को पनाह दी जा रही है। अब तो नया धंधा कर दिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड देने वाले का किसी पे कभी किसी ED ने या CBI ने छापा डाला हो तो बताओ? ये सिर्फ नए लाइसेंस जिसने ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया, एक आदमी का नाम बता दो, एक आदमी का नाम बता दो जिसने छापा मारा हो। आज के दिन ईमानदारियों को तो पड़ रहा है ना नेताओं पे, नेताओं पे किस पे? एक बात बता, ये 60-60 करोड़ रुपए लेके जिस सरकार बना लिए, एक भी पकड़ा? जिस BJP की सरकार महाराष्ट्र में बनी है उन्हें पकड़े एक भी? पीछे उड़े बनी थी, जित भी ये MLA महाराष्ट्र में बन रही और ये मध्य प्रदेश में बनी, वो जो कांग्रेस के जो और MLA 60-60 करोड़ में खरीदे थे वो पैसा किससे है? तन्ने दिया ना मन्ने दिया बिना पैसा के? वो होटल का खर्चा किसने दिया था? ये सरेआम बेईमानी गुंडागर्दी हो रही है, ये नौकर नेत्री छूट दे देंगे हम? नौकर बेटी ताड़ना मान्य माई क्या करे, हरिबम ताड़ ला के सत्ता में तो आ ही रही है ना बार बार जीत के। सत्ता में क्यों? सत्ता में बेईमानी जा रही है, सत्ता में EVM से EVM बंद करते इसकी जमानत जब्त ना हो जाते मारते कह दिए। मतलब मोदी जी के खिलाफ है आप? मोदी जी के खिलाफ है आप? मोदी जी क्यों खुश है? नौकर जी का आग्रह, मेरा नौकर है वो, नौकर है, नौकर है, देश का राजा बोला जाता है। राजा क्यों बोले? राजा तो मालिक है, नागरिक है। हम है राजा, वो हमारा नौकर है। विष्णु का अवतार बता दिया गया उन्हें, उसने पैर पकड़ के वोट मांगी थी संविधान के अनुसार काम करने के लिए, अब वो संविधान को बाईपास कर रहा है। बाईपास कर रहे हैं? हाँ बाईपास कर रहे हैं। जब एक बात बताओ, सरेआम गुंडागर्दी के तहत एक रिश्वत देकर अपनी लड़की को IAS बनाया गया हिंदुस्तान में, पहली बार लोकसभा में वो बिल पास कराया,
जिसके ऊपर मांग करते रहे एमपी, ये सरेआम गुंडागर्दी नीति और क्या था, इसका मुकदमा दर्ज होगा। सारी भर्तियों को कैंसिल कर दिया है, देश के राजा को गुंडा बता रहे। ये राजा कहाँ है? तू ए तीर नहीं होगा राजा, मारे नौकर है वो, नौकर है वो, नौकर है पूरे नाग सभी का नौकर है, करे और मेहमा होना। सभी दर्शक देखेंगे उधर, सभी दर्शक नहीं है, जितने भी नागरिक है जो सरकारी सेवा में है वो उसने कुछ भी कहो, जो सेवा में नहीं है, जो सरकारी सेवा में नहीं है उनका वो नौकर है। मारे भाइयों ने पैर नहीं पकड़े, बनारस में मारे सारे भाइयों ने पैर पकड़ रखे, ना पकड़े रखे हो तो बता। प्रधानमंत्री उनके लिए, प्रधानमंत्री पार्टी का शब्द है, ये राज्य की औलाद है कोई? ये कोई राज्य की औलाद है क्या? ये तो डरपोक है, ये तो इसको दिल्ली शहर में छप्पन इंची चोर है, ये छप्पन है बेच में, छप्पन है चाइना को। हाँ चाइना को, चाइना ने कर लिया था गलबान में कब्जा है, अरे बाड़ा कर लिया, जो जो कैसे झूठ बोले से। और इसकी चाय भी बता दू, गुजरात में चाय नहीं हो दारू बेचे से, दारू का भी लांछन लगा, दारू गुजरात के कौन से शहर में नहीं मिलती, 24 साल से इसी की सत्ता है ना, तू बेच का हूँ मैं बेच का हूँ, उड़े जो है बेचे से, इससे की मर्जी से बिक्री है ना, इसकी या चाय है दारू, जो इसने कई दिन में चाय बेचता था या दारू बेचता था, हीनियस क्राइम करने वालों का साथी है, जिसके सजा देने में 32 आदमी मारे गए, जिसने रेप रेपिस्ट उसको चुनाव में प्रचार करता है, तेल दे से। है वो संस्कारी है भाई, संस्कारी क्या का है? संस्कार बहन बेटी की इज्जत लूटना संस्कार है, संस्कारी बता रहे हैं, अरे हरदे संस्कारी से रहते हुए दो रहे, तू भी इसे संस्कारी होगी, चल जा। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, बीजेपी के, बीजेपी में कोई नेता से, कोई नेता से एक भी होते, एक में जवान होते, हाथ ठानिया से सारो, अच्छा नेता नहीं है बोलो, कोई भी नहीं, सारे हाथ ठानिया पैर दबाने वाले हैं, तो उनको लाने वाले भी तो आप ही लोग हैं ना बाबा? हम नहीं, ईवीएम ले आई है, ईवीएम लाई है, ईवीएम ले आई है, बाबा क्या नाम है आपका? भरेंगे देश के हम भंडार भरेंगे, भारत माता की, अनुशासन सरकार हमारी है, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, हम प्रधानमंत्री से यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश के राजा हैं वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री, किसान के खेत की मेड़ पर जाकर के बैठे और मजदूर किसान के बेटी बेटाओं को पूछे कि तुम गर्मी में, सर्दी में, वर्षा में, दिन में, रात में कै घंटे काम करते हो, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई क्या है, रहन सहन कैसा है, एक एकड़ में कितनी लागत लगती है, कितनी मुनाफा होती है, संसद में कीमत ना के खेत की मेड़ पर किसान की कीमत का उत्पादन आका जाए। सन 2014 में 11 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने पत्ते खोले थे, मैंने 14 नवंबर को, राजनाथ सिंह भाई साहब गृह मंत्री थे और प्रधानमंत्री, दोनों के लिए पत्र भेजे डाक के द्वारा, और वह बात लिखी कि पूरे भारत में कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसके बाद में 2020 में मोटे धान की कीमत हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1860 रुपये कुंटल रखी, हम दो इगलास तहसील में गौड़ा और बेसमा ब्लॉक पर इतनी बेईमानी हो रही, मैंने बातचीत की दोनों सचिवों से तो यह ऑर्डर मिला कि बोरी नहीं है, जबकि गांव में मोटरसाइकिलों साइकिलों पर बोरी लाद करके लाइन निकलती है रोजाना, तो जब सरकार पर बोरी नहीं है तो फिर कीमत क्यों रखी गई? आखिर में एक महीना तक कई गांवों के धान धरे रहे और वहां से निकाल करके
कोसी की मंडी में 1,000 रुपया कुंटल बेची, तो जब सरकार को धान लेने नहीं थे तो कांटे क्यों लगवाए, कीमत क्यों रखी गई, तो ये धोखेबाजी है या इंसानियत है? बाबा क्या उम्र है आपकी? मेरी 82 साल की उम्र। 82 साल उम्र है, ऐसी ठंड में आप यहाँ आए हैं? बहन जी, किसान मजदूर को ठंड नहीं लगती, जब फावड़ा चलाता है, ये थाली लाके आ गए, जब फावड़ा चलाता है तो खून गर्म हो जाता है, बाजरा की रोटी जब चटनी से खाता है तो गर्म खून हो जाता है। आपके खून पसीने से सींची हुई जो खेती है उसी से सभी लोगों का पेट भरता है, आप अन्नदाता है, लेकिन सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है ये बातें? अब ये मैं, आप हैं प्रधानमंत्री और मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूँ, अब यह तुम्हारे ब्रेन के ऊपर है कि हमारी बात पर विचार करें या न करें। हम तो कह ही सकते हैं, वह हमारे ही चुने वही सरकार है, यूपी में और केंद्र सरकार हमारे ही वोटों के द्वारा चुनी जाती है। और नंबर एक बात यह है कि संसद में या विधानसभा में जब यह अपना वेतन डीए टीए पीए पेंशन महंगाई वेतन जब बढ़ाते हैं तो न तो लोकसभा में, न विधानसभा में, न राज्य परिषद में एक भी पार्टी का विरोध नहीं करता, सब एक हैं, ये सब एक हैं, वो कूद के गुहा में, वो गुहा में इनका कोई सिद्धांत नहीं है, न इंसानियत है। क्या भाजपा में बेईमान गुंडे नहीं आए? पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरे टीवी चैनलों को पता है। अरे सरकार लोकतंत्र तो वह है जो भाजपा में आके सब वॉशिंग मशीन की धुलाई हो जाती है। बहुत आदमी आए और पार्टी से, आप भी बहन जानती हो, क्या क्या वहाँ भाजपा में आकर के जिन्होंने कमाई की है, धंधा किया है, वे आकर के शुद्ध हो गए? भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि अपनी ही पार्टी का कोई भी कितना भी बड़ा पदाधिकारी या मंत्री है और गलत काम करता है तो कानून के हवाले उसे किया जाए, न्यायपालिका, कार्यपालिका और लोकसभा विधायिका, इन तीनों का एक सिस्टम है। तो इसकी काट क्या है जो इस भाजपा सरकार में, सारी सरकार में वैसे ही लोग बैठे हैं, इसकी काट क्या है, आप लोग क्या करेंगे अब? इनका मेरे विचार से अगर भारत की जनता हर गांव में से 20 आदमी निकले तो 1,16,00,000 से ऊपर जनता बैठेगी, तो हम समानांतर सरकार हमारी जनहित और राष्ट्रहित की बात को नहीं माने, बार बार समझाने पर नहीं माने तो हम पागल तो नहीं, जो रोजाना हम भागे डोले तो हम फिर समानांतर सरकार चलाएंगे, सरकार को कोई पाई टैक्स कर्ज 1 रुपया नहीं देंगे। ये गांव में जो है, कितने गांव जो है गोद लिए गए हैं? देंगे क्योंकि डीजल ना आवे, डीजल के लेना पड़ेगा, वो पैसे जाएंगे। सुनिए, हमारी सरकार है किसी भी पार्टी की, हमें सभ्यता से बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री हमारे हैं, योगी जी हमारे हैं, पूरा देश जो है हमारा परिवार है, हम एक हैं। जब एक है तो परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान है ना, अपनी परेशानियां दूर करवे को, कि भारत सरकार हमारी बात को सुने, अमल करे और हमारे दुख दर्द को पहचान करके हमारे आंसू पहुंचे। हमारी सरकार है किससे कहें, अब एक या 50 आदमी की तो नहीं कोई सुनता। भाई साहब राजनाथ सिंह मुझे अच्छी तरह जानते हैं, बताइए आपको इतने अच्छे से जानते हैं, फिर भी आप लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। अब एक बात बताओ, आप मेरी छोटी बहन है, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, और तुम्हें कोई तकलीफ है और मुझसे कहो और मैं तुम्हारी तकलीफ पर अमल न करूँ तो इसमें आपका क्या दोष है? दोष तो मेरा है।
क्या कुछ करेंगे फिर? इसका निष्कर्ष क्या है? मजबूर होकर के हमें देश में समानांतर सरकार चलानी पड़ेगी। बाबा अभी क्या कह रहे थे डीजल वगैरह की? मतलब ये बड़ा भाई जो कह रहा था अगर हम टैक्स नहीं देंगे, अरे खेती करता ही डीजल लेना पड़ेगा, वो मत टैक्स देना पड़ेगा, बिना टैक्स के डीजल कौन देगा? तो ये है सारी कहानी का, इन्होंने टैक्स चोरों को तो शह दे रख, 80% GST के टैक्सों की चोरी हो रही है। मैं क्लियर मिसाल दे दूं, दिल्ली के अंदर बिल्डिंगें बनती हैं, ईट रोड़ी बदरपुर सीमेंट सरिया, बिना GST के बोलो कितना मंगाओगे, और 18% टैक्स से, क्यों किसकी जेब में जा रहा है? ये टैक्सों की जो चोरी कराई जा रही है, अमीरों का था 18 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया इसने, और किसानों के से 10 लाख करोड़ रुपए वसूले है इसने। यानी किसान इनके लिए मायने नहीं रखते हैं, इनके लिए थे जो ही के लिए थे, इन्हें तो कुछ ना एक तलते बदलने तो फुर्सत ना, और रोड तो फुर्सत ना, ड्रामे बाज है, नाटक बाज है, इसने करना कुछ भी ना आता। प्रधानमंत्री तो वस्त्र तो बदलेंगे ना, मेरी बात, इसने प्रधानमंत्री ने अफसर बनाने की बताओ, PMO चलाता है देश, PMO में इन्हें कैबिनेट का फर्जी ढोंग रचकन है, IAS IPS जो ईमानदार थे सारे बाहर कर दिए, सारे वरिष्ठ बैठा रखे से। हमारे पास योजनाएं जो आती थी पहले, हमारे गांव में बिजली आई, सड़क आई, ना हमारे घर के सामने नाली बनी, ये योजना आयोग की करामात थी, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो अब क्या करेंगे ये, इसकी काट क्या है? मैंने बता दी, पूछा था बेटी बात सुन ले, जिस दिन इस देश का नौजवान ने ऑर्डर लिख दिया, 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ये सारे भ्रष्टाचारियों की, एक भ्रष्टाचार क्या कानूनन वैध है क्या? 3 करोड़ से अधिक जिस सेवक के पास भी संपत्ति है वो बिना भ्रष्टाचार के बनी क्या? बताओ, तू पत्रकार है, बिना भ्रष्टाचार के बनाई के वो सारी जब्त कराओगे हम? उसके प्रूफ है, प्रूफ जब नहीं हो बता, तू पद से पहले तेरे बाप के पास 2 बीघे जमीन थी, तेरा कच्चा घर था, इब तू शहर के अंदर 2000 गज में कोठी कितना ही से, जो हमारी नाली के पैसे, मतलब जो कमीशन खाया था ना, जो कमीशन खाया था उसने, वो कमीशन कुर्सी योजना में ना खाया जाता, बता दे, कुर्सी योजना में कमीशन नहीं खाया जाता, तो हर योजना कमीशन पे ही, कमीशन पे अब तक 40% हो रहे हैं, वो कर्नाटक तक खबर आई थी, 60% तो ठेकेदार लगा होगा, उनमें 20% लगा होगा, 40% ले जाए कमीशन में, कर्नाटक में आवाज आई है जो हमने सुनी से, 40% कमीशन। चलिए शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं ये बाबा भी आए हैं, तो इन्होंने जो बताया मैं कर दूंगी बाबा, तो ये बाबा भी आए हैं, देख सकते हैं आप, उनकी उम्र 65-75 साल है, अभी एक और बाबा थे उनसे भी बात की, तो ये किसान लोग हैं जो कभी थकते नहीं हैं, ना इनकी उम्र कभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इन्हें ना ठंड से फ़र्क पड़ता है, ना सर्दी से, ना गर्मी से, ना बरसात से, ये किसान भाई लोग हैं जो तमाम अपनी मुद्दों को लेकर यहाँ पर आए हैं, सरकार में जो सत्ता में बैठी हुई है, तमाम दावे वादों में जो फेल हुई है, वो आज इसी के लिए यहाँ पर तमाम लोग अलग अलग राज्यों से एकत्रित हुए हैं कि किसान भाइयों को उनके हक और मुआवजा जो है बोला गया है उसी के आधार पर उनको मिले, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा है। तो देखने वाली बात यह है कि आखिर क्या सरकार इसी तरीके से ये दोहरी नीति खेलती रहेगी या दोहरी नीति करती रहेगी जिसमें किसान भाई भी रुलते रहेंगे। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, रामलीला मैदान, दिल्ली।